नमस्कार दोस्तों, पिछले काफी दिनों से भूगर्भ में छिपे खजाने को ढूंढने का काम चल रहा है, जैसे कि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, अभ्रक, मैगजीन या अलग अलग तरह के धातु छिपे हुए हैं, जिसको खोजने के लिए अलग अलग देश इस पर पैसा खर्च करते हैं, या तो इसकी खुद खोज कर रहे हैं या तो किसी विदेशी कंपनी को खोजने का ठेका दे रहे हैं कि अगर कुछ मिल जाता है तो भाई उसका फायदा लिया जा सके और देश की हालत को ठीक किया जा सके। ठीक उसी तरह भारत में भी कई बड़ी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई कर रही हैं और धातु की खोज कर रही हैं, और इसमें कुछ सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में एक खोज ने देश के 130 करोड़ की जनता को खुश कर दिया है और भारत सरकार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खोज से बहुत ज्यादा गदगद हैं। जी हां, भारत में यूरेनियम का भंडार मिला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इंडो चाइना बॉर्डर से 3 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम का खजाना है। अब इस जगह को संरक्षित करके खुदाई शुरू हो चुकी है, जिसमें अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। अधिकारियों की माने तो देश में यह पहली बार है जब यूरेनियम के भंडार की खोज के लिए किसी जगह को रिजर्व किया जा रहा है। परमाणु खनिज निदेशालय अन्वेषण और अनुसंधान की माने तो हमें केंद्र से प्रोत्साहन मिला और खोजबीन शुरू की है। पहाड़ियों की वजह से हेलीबॉर्न से खोज करने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन हम लोग खोज करने के लिए पैदल पहाड़ियों के ऊपर चढ़े। वो मेचुका घाटी में भारतीय सीमा के सबसे दूर के गांव में गए। अभी आगे और भी गतिविधि जारी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप खनन होगा। ये खोज जमीनी स्तर से लगभग 619 मीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के एलो में हुई। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे अक्षय ऊर्जा माना जाता है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि मणिपुर ने भी खोज के लिए अपनी अनुमति दे दी है। असम, नागालैंड, गुजरात, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश हैं और इसका क्या कारण हो सकता है। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी, देश का विकास तेजी के साथ होगा। अब देखना यह होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल तो भारत की खुशी का ठिकाना नहीं है।